तू हमें जो मर्जी बोलेगी और हम जवाब नहीं देंगे क्या? अरे गुस्से में चली गई है ना, इसलिए मोबाइल आप करके रखा होगा। जैसे दिमाग शांत हो जाएगा लौट आएगी। साहब गुस्से में तो थी, बोल के गई थी मौसी के घर जा रही हूँ लेकिन वहाँ पहुंची नहीं। अरे बलराम जी, बच्चा लोगों का एक तरीका होता है गुस्सा दिखाने का, फिर जाकर बैठ जाते हैं और माँ बाप टेंशन में आके तिल मिलाते रहते हैं। वैसे यह गुस्सा 24 घंटे ज्यादा नहीं टिकता, आ जाएगी। लेकिन साहब मेरी नीलम कल शाम लगभग 6 बजे घर से निकली है, बोली मौसी के घर जा रही हूँ। उसकी मौसी राधेपुर में रहती है, मुश्किल से 2 घंटे का रास्ता होगा, वहाँ पहुंची नहीं, पता नहीं रात भर कहाँ रही होगी, फोन भी बंद है उसका। कल शाम 6 बजे गई है ना, अतः 24 घंटा तो दो, आज शाम 6 के पहले आ जाएगी, गुस्सा थूक देगी। साहब परसों 10 तारीख को मेरी बेटी नीलम घर से निकली थी गुस्से में। कुछ बोलकर निकली थी? और राधेपुर आने वाले थे, मौसा हूँ उसका, लेकिन मेरे घर आई नहीं नीलम बिटिया, और उसका फोन भी बंद है। और आप लोग अब 2 दिन बाद आए हो थाने? अरे नहीं साहब, कल सुबह से यहीं डेरे डाले हुए हैं, लेकिन कोई हमारी ठीक से शिकायतें दर्ज नहीं कर रहा, इसीलिए तो हम आपसे मिल रहे हैं, मदद कीजिए साहब। हमको ऐसा लगा कि भाई के साथ नोकझोंक ये तो बहाना है, भाग गए अपने बॉयफ्रेंड के साथ। और अगर कोई भगा ले गया हो तो चौबे हम हमारे लोगों तक बात पहुंचा सकते थे, अगर लड़की का फोन बंद है तो उसकी रिकॉर्डिंग डलवा सकते थे। वैसे हमारा डिपार्टमेंट कम बदनाम नहीं है इस बात के लिए कि हम काम नहीं करते। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. Sir, 444-876-231. इस नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन चाहिए। 21 साल की लड़की है, नीलम बिस्ती नाम है, परसों से गायब है। सर इस नंबर की डिटेल्स थोड़ा जल्दी मिल जाती तो अच्छा होता। पहले भी कभी ऐसे नीलम घर छोड़कर गई है गुस्से में और आपके घर जाकर रुकी है राजेंद्र जी? नहीं कभी नहीं। क्या करती है नीलम? कॉलेज में पढ़ती है। फर्स्ट ईयर के बाद नीलम दीदी ने कॉलेज छोड़ दिया था और अभी नौकरी कर रही थी। कहाँ? रामलाल बाबू के मिल में। झगड़ा किस बात पर हुआ था चेतन? सर वो पैसों को लेके। अम्मा, अम्मा, मेरे बक्से से 200 रुपए लिए हैं क्या? नहीं, और तुझे पता है ना, तुझे बिना पूछे तेरे बक्से को हाथ भी नहीं लगाते हम। बाबा भी बिना पूछे नहीं लेंगे तो फिर कहाँ गए मेरे 200 रुपए? रखे होंगे कहीं, देख ठीक से। नहीं अम्मा, वहीं बक्से में रखे। चेतन, चेतन, मेरे बक्से से 200 रुपए लिए? हम काहे लेंगे, कोई काम धंधा नहीं है क्या? तो नजरे क्यों चुरा रहा है? यहाँ देख, इससे पहले भी 20-50 रुपए निकालता रहा है तू, ये मत सोच कि मुझे मालूम नहीं पड़ता था। ओ दीदी, कमाने लगी हो ना तो इतना इतराने की जरूरत नहीं है। चुप, सीधे सीधे जवाब दे, 200 रुपए लिए या नहीं लिए? कौन सा 2000 रुपए ले लिए? मतलब लिए 200 रुपए? हाँ। क्यों? वो भी मुझसे बिना पूछे? हम पूछते तो तू देती क्या? क्यों लिए बोल। अरे दोस्तों को छोले भटूरे की पार्टी दे दी थी हमें, चल रास्ता छोड़ अभी। नीलम अब जाने भी दे बेटा। क्यों जाने दूं अम्मा, इसकी पढ़ाई के लिए मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, और तुझे पता भी है वो पैसे हम क्यों जोड़ रहे हैं? 200 रुपए के लिए इतनी नौटंकी करनी जरूरी है? 200 को छोले भटूरे खिलाना जरूरी था? अरे कौन सा आसमान टूट पड़ा, तूने घर पे चोरी किया चेतन। क्या चोरी? चोरी की हमने? नीलम चेतन अब बस भी करो दोनों। अम्मा मैं जाने नहीं दे सकती हूँ इसे,
200 रुपए कम नहीं होते हैं। आज घर पे चोरी की है, कल बाहर जाके डाका डालेगा और फिर भी बोलेगा कोई आसमान नहीं टूट पड़ा है। तेरी हिम्मत कैसे है मुझ पे हाथ उठाने की? तुझे जो जी में आएगा हमको कहेगी और हम जवाब नहीं देंगे क्या? 200 रुपए के लिए 2 लाख का एग्जाम लगा रही हम पर? चेतन अम्मा समझा दो इसको, 4 पैसे क्या कमा लेती है सबके सर पे चढ़ के ना बैठे। चेतन जा यहाँ से। तुझे तो नीलम। अम्मा मत रोक मुझे, उसे थप्पड़ मारा है मुझे। हाँ तो तूने भी उसे चोर कहा ना, अब जाने दे। घर पे पैसे चुराए उसने, क्यों ना कहूँ चोर मैं उसे? बस भी कर, तेरे बाबा से कहकर तेरे 200 रुपए लौटा देंगे और इस महीने मेरे हाथ में 200 रुपए कम देना बस। अम्मा तू हमेशा चेतन की तरफदारी करती है और सही नहीं है ये। नीलम अब बहस मत कर, जवान लड़का है उसे इसे चोर नहीं कहते। अब माथा ठंडा कर और चाय पी ले चल। मुझे नहीं पीनी कोई चाय। नीलम 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 बेटा बेटा तू काम से थकी हारी आई है, बेकार में ही तेरा मारा चढ़ गया। मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, तू जब देखो चेतन की तरफदारी करती रहती है, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। क्या बचपना है ये, और कहाँ जाएगी तू? पता नहीं पर यहाँ नहीं रहना। ऐसे कैसे पता नहीं, और कहीं नहीं जाएगी तू? जाऊंगी मैं मौसी के घर जा रही हूँ और यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगी। तुम लोग चेतन की तरफदारी करते रहते हो ना, बस देखते जाओ वो आगे आगे क्या करता है और पछताओ। नीलम रुक, नीलम 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 रुक जा। नीलम बेटा जा जाके माफी मांग दीदी से। हमें चोर बोली, चोरी नहीं की हमने, अरे अपना घर है ले लिए पैसे बस। नीलम दीदी सच में घर छोड़कर चली जाएगी, ऐसा मैंने सोचा नहीं था सर। इनकी बेटी है अर्चना, उससे नीलम की अच्छी बनती है तो कभी कभी मिलने चली जाती है इनके घर, रुकी भी है वहाँ। हम तो रात भर इंतजार करते रहे सर, लेकिन वो आई ही नहीं। शेरगंज से राधेपुर कैसे जाती थी, बस से? जी हाँ साहब। हमें अर्चना से बात करनी है। वो तो यही है सर, बलराम के घर, हम कल से यहाँ आए हुए। नहीं मैडम, नीलम ने 10 तारीख को हमें कोई फोन नहीं किया, और वैसे भी जब भी हमारे घर राधेपुर आती है सबसे पहले हमें फोन करती है। काफी करीब हो तुम दोनों? जी मैडम। कुछ पता है जा कहाँ सकती है? कहीं नहीं मैडम, वो बिना बोले गुस्से में तो कहीं जा ही नहीं सकती है, और कुछ भी हो जाए वो अपना फोन कभी बंद नहीं रखती है। हमारी बेटी को अच्छे से जानते हैं हम। हाँ उसे कुछ बात पर गुस्सा जरूर आता है, पर तुरंत शांत भी हो जाती है वो। और मैडम जी जरा सोचिए, 21 साल की लड़की 2 दिन बिना किसी को बताए कहाँ जाएगी? नीलम दीदी जब भी कॉलेज जाती थी तभी उनकी 2 खास सहेलियाँ थी, मधु और कंचन। हम उनके घर भी हुआ है सर, लेकिन दीदी वहाँ पर भी नहीं थी। कहीं और जा सकती है नीलम? साहब रुमाल जितना बड़ा है शेरगंज, हर कोई हर किसी को जानता है। दर्जनों लोगों ने नीलम को बैग लेकर निकलते हुए देखा था, लेकिन नीलम के दिमाग में क्या चल रहा था ये कोई कैसे पता करता? सबने सोचा होगा यहीं कहीं जा रही होगी। और बस स्टैंड से क्या रिपोर्ट? साहब 2 बसें हैं जो शेरगंज से राधेपुर के लिए जाती हैं पटना साइड में। मैंने दोनों बसों में बंदों से पता किया, किसी ने भी नीलम को नहीं देखा। हो सकता है बस से ना गई हो गुरु, हाईवे से लिफ्ट मांगी हो किसी से, या फिर पहले से ही तय होगा हाईवे पर मिलना किसी से। साहब म्युनिसिपल और सारे प्राइवेट अस्पताल खंगाल लिए हैं राधेपुर तक, मगर 10 अप्रैल की शाम तक कोई भी एक्सीडेंट वाला केस नहीं आया है जिसमें 21 साल की लड़की शामिल हो। मैं नहीं मानता मैडम, बिल्कुल नहीं मानता कि नीलम जैसी लड़की गुस्से में घर छोड़ेगी और फिर वापस से नहीं लौटेगी। आप ये नीलम और उसके परिवार को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं रामलाल जी। नीलम जैसी मेहनती लड़की तो मैंने आज तक देखी ही नहीं, और ये गुण उसे अपने बाप से मिला है बलराम, वो भी बहुत मेहनती आदमी है, बरसों से फैक्ट्री में लोडर का काम करता आया है। नीलम यहाँ पिछले 2 साल से काम कर रही है? जी मैडम, बच्ची ने पढ़ाई छोड़ी घर में हाथ बटाने के लिए, मेरे पास आई तो मैंने तुरंत उसे काम पर रख लिया। सच बताओ मैडम, जितने मैं उसे पैसे देता था ना उससे ज्यादा मेहनत करती थी वो, कभी शिकायत का कोई मौका ही नहीं दिया, कभी 1 मिनट भी जाया नहीं करती थी, पूरे लगन से और ध्यान से सारा काम समय से पहले करती थी। और हाँ, अगर आप लोगों को लगता है कि कोई लड़का वड़का मिलने आता था तो भूल जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं था। रामला जी घर का कोई मसला आपसे कभी कुछ कहा नीलम ने? जी नहीं मैडम, अगर घर का कोई इतना बड़ा मसला होता तो पड़ोसियों को जरूर पता चलता, और वैसे भी शेरगंज में कोई भी बात छिपी नहीं रहती, माजरा जरूर कुछ और ही होगा।
बक्से में कुल कितने पैसे होंगे जो नीलम अपने साथ लेकर गई? वो तो ठीक से नहीं कह सकते, पर हाँ महीने के 500-600 बचा लेती थी वो, अब तक 4-5 हजार हुए होंगे। रश्मि जी, आपने बताया गुस्से में नीलम ने चेतन से कहा कि तुझे पता है ना मैं किस लिए पैसे जोड़ रही हूँ? और तुझे पता भी है वो पैसे हम क्यों जोड़ रहे हैं? क्या कोई और भी वजह है जिस वजह से नीलम को गुस्सा आया और वो घर छोड़कर चली गई? नहीं चेतन, हमने नीलम को घर जाते हुए नहीं देखा। राकेश भैया, हमने कोई इतना भी बड़ा जुर्म नहीं कर दिया कि दीदी घर छोड़ के चली जाए। हमें नहीं लगता कि सिर्फ तुम्हारे हाथ उठाने की वजह से वो घर छोड़ के गई है। हमें लगता है उसकी शादी को लेकर कोई बात रही होगी। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता तो दीदी बाबा को बोलती ना, या अम्मा को। शादी तय हुई है नीलम की? तय कहाँ साहब, अभी तो सिर्फ बात हो रही है। लड़का मिला नहीं है अभी, हम लड़का देख रहे हैं, रिश्ते आ रहे हैं, पर अभी कोई बात आगे नहीं बढ़ी। पर क्या नीलम राजी है शादी करने के लिए? नहीं है, लेकिन हम तो माँ बाप हैं, हमें तो सोचना ही पड़ेगा उसकी शादी के लिए। बाबा, अभी ना ही सोचो तो बेहतर है। ऐसा कैसे ना सोचें? एक तो 21 की हो गई है, ऊपर से कमाने लगी है। कल कोई ये ना कहे कि पैसों के लालच में तेरी शादी नहीं करा रहे हैं हम। और अर्चना तुझसे 2 साल छोटी है, फिर भी तेरी महादेवी मौसी ने अभी से उसके लिए लड़की देखना शुरू कर दिया है। अम्मा, एक बार हमारे घर का दूसरा कमरा बन जाए फिर कर देना हाथ पीले, मैं कौन सा मना कर रही हूँ। क्यों, दूसरा कमरा बनवाने के बाद यहीं पर जमे रहने का प्लान है? हाँ, मैं शादी ही नहीं कर रही तो यही रहूंगी ना। मतलब वो पूरा एक कमरा सिर्फ तेरे अकेले का? वाह भाई, क्या कोई लड़का है जिसे नीलम पसंद करती है जिसकी वजह से उसने शादी के लिए मना किया? साहब, हम गरीब जरूर हैं लेकिन इतने नहीं कि शर्म बिक गई। हमारी नीलम बहुत सुलझी हुई और समझदार लड़की है, वो ये बॉयफ्रेंड शॉयफ्रेंड के चक्कर में तो कभी आ ही नहीं सकती। गीता नीलम की कॉलेज फ्रेंड मधुर कंचन, इन दोनों से भी बात करो, हो सकता है कोई बॉयफ्रेंड वाला मामला हो। सर, नीलम की मौसी की बेटी अर्चना, वो काफी क्लोज है नीलम के, उसने भी कोई बॉयफ्रेंड का जिक्र नहीं किया। अर्चना करीब जरूर है पर है तो मुसेरी बहन ही, हो सकता है नीलम ने उसके साथ कुछ शेयर ना किया। नीलम फर्स्ट ईयर बीकॉम तक पढ़ी है। आज फिर टिफिन भूला ना तो कल से नाश्ता अखबार में बांध के दूंगी राजू। हमने 3-4 लड़के के बारे में बताया था बलराम जी को, वो खुद आए थे सामने से, कहे कि गवर्नमेंट सर्विस में कोई लड़का हो तो बताना। नीलम ने तुमसे कभी कुछ ऐसा कहा क्या कि मेरे लिए लड़के वड़के ना देखो, कोई और है? हमारे और नीलम के बीच में ऐसी बातें नहीं होती थी। दरअसल एक दो बार हमने उसको घर छोड़ा तो हमने पूछा कि भाई फलाना लड़का तुम्हें पसंद क्यों नहीं आया, तो हमेशा उसका एक ही जवाब रहता था कि राकेश भैया हमें भी शादी नहीं करनी। अच्छा, हालांकि पुलिस को लगता है कि उसकी लाइफ में कोई लड़का था, वाकई में था? पता नहीं, 3-4 दिन से गायब, भागी भागी होगी किसी लड़के के साथ। ना, अगर कोई लड़का होता तो सबसे पहले घर पे बताती, भागती भागती नहीं। अगर कोई होता भी तो रिश्ता इतना छुपा हुआ कैसे रह सकता? कोई था मधु कंचन? मेरे हिसाब से नहीं, नीलम ने हमें कभी कुछ बताया नहीं मैडम। देखो, स्कूल से लेकर कॉलेज तक तुम तीनों साथ में थी, नीलम ने कभी कुछ ना बताया, लेकिन तुम दोनों ने कभी तो कुछ तो महसूस किया होगा। वही तो मैडम, कभी कुछ महसूस नहीं हुआ, मतलब नहीं था। और हमें कुछ डाउट होता तो हम सीधा उसी से पूछ लेते, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं। दरअसल मैडम, हम दोनों भी यही सोच रही थी, नीलम इतनी गैर जिम्मेदार हो ही नहीं सकती कि वो खुद कहीं चली जाए या किसी के साथ भाग जाए, उसे अपने घर वालों की बहुत फिक्र है। चलो, एकदम सीक्रेट वाला अफेयर वफेयर हुआ भी होगा, किसी को भी ना बताने वाला टाइप का, फिर भी एक टाइम पर वो अपने माँ बाप को तो ज़रूर बताती, भाग जाना उसका स्टाइल ही नहीं है मैडम। नीलम के फोन रिकॉर्ड से तो कुछ भी नहीं मिला है, अपने फादर और बॉस रामलाल के अलावा यूसेज लगभग ना के बराबर है। लास्ट फोन लोकेशन 10 तारीख की शाम को शेरगंज हाईवे है। फोन हाईवे के पास स्विच ऑफ? जी हाँ सर, शाम को 7:15 बजे। अगर नीलम अपनी मौसी के घर जा रही थी
तो अपना फोन स्विच ऑफ क्यों कर दी? या फिर पहले से प्लान था कि फोन स्विच ऑफ करके कहीं भाग जाना है? क्या जबरदस्ती उसका फोन स्विच ऑफ करवाया गया? अगर उसका फोन जबरदस्ती स्विच ऑफ करवाया गया होगा सर, तो मतलब शायद नीलम को किसी ने किडनैप किया होगा। नहीं साहब, उस लड़की को गायब होने में हमारे कोई हाथ नहीं साहब। 10 अप्रैल की शाम को ऐसा कुछ हुआ हमने सुना भी नहीं था। बच्चों की कसम खा के कहना साहब, 10 अप्रैल को मैं सर्कल में था ही नहीं। अब तुम दोनों कान खोल के सुना, आज 14 अप्रैल है, 4 दिन हुए, पता करो लड़की कहां पर है, नहीं तो तुम दोनों लापता हो जाओगे हमेशा के लिए। 21 साल की लड़की है, फोटो फॉरवर्ड कर दिया मैंने आपको, जरा अनआइडेंटिफाइड बॉडीज की रिपोर्ट में चेक कीजिए। 10 अप्रैल की शाम को गायब हुई थी नीलम बिट्टू, 11 तारीख से लावारिश लाशों की जो जो रिपोर्ट है आपके पास मुझे तुरंत भेज दीजिए। हर एक हिस्ट्री शीटर के एक एक मूवमेंट को चेक करना है। ये उन हिस्ट्री शीटर की लिस्ट है जिन पर रेप और अटेम्प्ट टू रेप के चार्ज लगे हुए हैं। मुन्ना, ये मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर वाले हिस्ट्री शीटर की लिस्ट है। इनमें से कोई भी जरा सा भी आनाकानी करे कुछ बोलने में तो थाने में हाजिरी लगाने को बोल देना। आप कह रहे हैं कि नीलम दीदी के साथ कुछ गलत हुआ है? 5 दिन हो गए हैं, इस बात की पूरी संभावना है कि किसी क्रिमिनल ने नीलम के अकेले होने का फायदा उठाया हो, लेकिन वो कोई जान पहचान वाला ही होना चाहिए अगर ऐसा कुछ हुआ है तो, क्योंकि हाईवे पर किसी ने कोई चीखना चिल्लाना तो सुना नहीं है। लेकिन ऐसा कोई क्यों करेगा? हमारी नीलम ने तो आज तक किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं। पता नहीं इस नालायक ने उस पर हाथ क्यों उठाया। शेरगंज में कोई ऐसा है जिसने कभी नीलम को छेड़ा था और उस दिन मौके का फायदा उठाकर उसे अगवा कर लिया हो? कुछ समझ नहीं आ रहा साहब, कोई हमारी नीलम के साथ ऐसा क्यों करेगा। चौबे पूरा इलाका दोबारा से छान मारो, एक एक जगह ऑन द डबल। सिर्फ पूरे गया डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी लावारिस लाश नहीं मिली जो नीलम से मैच करती। तो फिर ये लड़की गई कहां? हिस्ट्री शीटर्स की अरसों बाद इतनी पिटाई की है सर, अगर कुछ होता तो कोई ना कोई बग देता। लड़की ट्रैफिक हुई हो, इस इलाके में ट्रैफिकिंग माफिया के किसी बंदे ने स्पॉट किया होगी लड़कियां के लिए। सर, नीलम इससे पहले कई बार राधेपुर अपने मौसा मौसी घर अकेले जा चुकी है, अगर किसी ट्रैफिकिंग वाले ने हमला किया भी होता तो कम से कम वो चिल्लाती फाइट करती। और सर, वो जिस रूट से जाती हुई दिखी थी शेरगंज के लोगों को, वो रूट उतना भी सुनसान नहीं है, कई सारे मकान है उस रास्ते पर। सर, अगर वो चिल्लाती तो कम से कम 30-40 लोग इकट्ठा हो जाते तुरंत। तो चिल्लाना रूल आउट करते, मतलब जबरदस्ती उठाकर ले जाने वाले मामले को रूल आउट करते। हाईवे पर फोन स्विच ऑफ, क्या लड़की ने खुद किया होगा? पक्का कोई बॉयफ्रेंड वाला मामला नहीं है? सर, नीलम के क्लोज फ्रेंड्स मधुर कंचन, उनसे अभी तक कुछ नहीं मिला है। हो सकता है सर दिमाग में गहरी चोट लगी हो भाई के हाथ उठाने से, तो सुसाइड का एंगल बन सकता है। सुसाइड क्या होता तो लड़की की बॉडी तो मिलती, उसका बैग तो मिलता। क्या वो हमें छोड़ के गई है इसे थप्पड़ को लेकर? बता देती तो 4 थप्पड़ मारते चेतन को। नहीं रश्मि, बात कुछ और है। किसी लड़की के साथ भाग तो नहीं गई नीलम? ये गुस्सा उसके भागने के इरादे को और हवा दे गया हो। कोई लड़का था क्या? नीलम ने तुम्हें कुछ बताया कभी? कैसी बात कर रहे हैं आप? आपसे कोई बात छिपाई है कभी? शायद कोई और छुपा रहा है सब कुछ जानकर भी। कौन? पता नहीं रश्मि, मुझे क्यों लग रहा है ये अर्चना जरूर कुछ जानती है जो छुपा रहे है। कुछ नहीं बोला, आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? देखो, हमें लग रहा है तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो बेटा। देख बेटा, बाद में पता चला कि तुम्हें कुछ मालूम है तो बहुत बुरा लगेगा हमें। रश्मि दीदी और बलराम जीजाजी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम है। और आप लोग एक बात समझ लो, नीलम दीदी कब आती है हमारे घर? शनिवार या रविवार को, क्योंकि उसे एक ही दिन छुट्टी होती है। और 10 अप्रैल को तो सोमवार था, तो अगले दिन उसे काम पर नहीं जाना था क्या? तो वो ये कहकर कैसे निकले कि वो हमारे घर आ रही है? मुझे तो इसी बात में झूठ नजर आ रहा है। तुम कहना क्या चाह रही हो? यही कि वो ऐसा कहकर निकल ही नहीं सकती कि वो हमारे घर आ रही है, क्योंकि वो कभी ऐसा करती ही नहीं है। रश्मि दीदी ने तो हमसे यही कहा
हे भगवान, कहीं तो ये तो नहीं कहना चाह रही है कि रश्मि दीदी हमसे झूठ कह रही है। सर, मैंने डाइवर्स लगा दिए। अगर सुसाइड होता तो 7 दिन में बॉडी फूलकर ऊपर आ गई होती। कहीं आगे बह तो नहीं गई है? सर, नदी से लगकर जितने भी गांव हैं, मैंने सभी के थानों को अलर्ट कर दिया था। कहीं से भी किसी बॉडी के मिलने की कोई खबर नहीं आई अभी तक। मैं सोच रही थी कि नीलम के बारे में हमें जो भी सुनने में आया है, काफी मजबूत किस्म की लड़की लगती है। पढ़ाई छोड़ी ताकि फादर का हाथ बटा सके, ईमानदारी से काम कर रही थी, पैसे बचा रही थी, और सब भाई से एक झगड़ा, एक थप्पड़, और इस कारण सुसाइड कर लिया। सर, कुछ लॉजिकल नहीं लगता ये। पॉइंट तो है गीता, लेकिन नीलम की अभी तक खबर क्यों नहीं मिली है कोई भी? नीलम बिश्ती के पोस्टर्स हमने शेरगंज, राधेपुर और आसपास के सारे इलाकों में लगवाए। नीलम को गायब हुए अब 10 दिन हो चुके थे, पर अजीब बात थी कि हमें रिस्पांस लगभग ना के बराबर मिला। पर एक मसला था। एक किस्सा कही जो अब भी हमारे सामने नहीं आया था। ये अतीत में हुई एक घटना थी। मैंने गेट पे लक्ष्मण को देखा, तब जाके मुझे याद आया। तो पुलिस को बोले या रत्ना मैम को? तुम दोनों को लगता है हरिशंकर ने कुछ किया होगा? रत्ना मैडम, हमें जैसे ही कुछ याद आया तो हमने सोचा आपको बता दें। हमें ये बात पुलिस को बता देनी चाहिए। वो पुलिस वाली मैडम थी ना, वो बार बार पूछ रही थी क्या कॉलेज में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से किसी ने कुछ किया हो। कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड था? यस सर, हरिशंकर गुप्ता। 2 साल पहले की बात है। हुआ क्या था? नीलम ने हरिशंकर के खिलाफ शिकायत की थी। जब देखो तब घूरता रहता है। मैं आपको थोड़ी घूर रहा था। अंधी नहीं हूँ मैं, हर रोज देखती हूँ, आके फाड़ फाड़ के देखता रहता है। हुआ क्या है तुझे? मुझे कुछ नहीं हुआ। आप गलत मतलब निकाल रही हैं। अच्छा, तो तू ही समझा मुझे, इस बात का सही मतलब क्या निकालूं? लड़की गलत समझी, मैंने किसी को नहीं छेड़ा। चुप रहो, तुम्हें सिक्योरिटी के लिए रखा है ताकि तुम स्टूडेंट्स की हिफाजत करो, और तुम हो कि उन्हीं को छेड़ते हो। मैडम जी, मैं इसे कोई गलत नजर से नहीं देख रहा था। हाँ तो बता ना, किस नजर से घूर रहा था उसको? नहीं रत्ना जी, वार्निंग सही नहीं है, डायरेक्ट डिसमिस। हम लोगों ने इसे इंसानियत के नाते एक मौका दिया, और कहीं इस इडियट ने उस मौके का गलत फायदा उठाया तो, कहीं रेप वेप मर्डर वर्डर कुछ कर दिया तो हमारा कॉलेज तो बदनाम हो जाएगा ना। अरे गुरु, खुसुर पुसुर तो हो ही रही है। दुबे जी, आखिर नीलम का पूरा परिवार झूठ क्यों बोलेगा? ये तो बलराम भैया, रश्मि भाभी और चेतन ही बता सकते हैं। लेकिन गांव वालों को क्या लग रहा है? अरे यही कि अगर मौसी के घर जाने के लिए निकली होती तो वहाँ पहुँचती, एक फोन तो करती। लगता है यहाँ कुछ और ही किया गया है। मतलब पूरा बिश्ती परिवार ने खुद ही कुछ कर दिया लड़की को? अरे गुरु, हम लोगों के मुँह में पान डालते हैं, तुम हमारे मुँह में शब्द डाल रहे हो। अरे जितनी उड़ती उड़ती खबर थी सब बता तो दी। मधु, कंचन, नौकरी से निकाले जाने के बाद क्या कभी हरिशंकर ने नीलम को कोई धमकी वमकी दी थी? धमकी वमकी दी थी कि नहीं ये नहीं मालूम मैडम, पर नीलम ने कहा था कि उसने बात की थी। क्या बात की थी कंचन? क्या पीछा करने लगा था? कुछ नया नहीं है, रत्ना मैम को कंप्लेन करने से पहले भी घूरता था, पीछा करता था। इस बारे तो उसे आड़े हाथों लिए। उसने कोई धमकी वमकी दी क्या? नहीं नहीं। तो फिर गलत किया मैडम? हाँ गलत किया, कॉलेज में नहीं पुलिस में तुम्हारी शिकायत दर्ज करनी चाहिए थी। और अभी भी देर नहीं हुई है, जा सकती हूँ पुलिस स्टेशन। अब करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, सजा तो मुझे मिल चुकी है। कोई भी काम नहीं दे रहा, मेरा नाम खराब कर। नाम नहीं, तेरी नजरें खराब है, उसी का फल है।
अब मेरा पीछा करना छोड़ दे और चला जाए यहाँ से, वरना अभी पुलिस थाने चली जाऊंगी। उसके बाद नीलम ने कभी हरिशंकर की बात नहीं की। लेकिन तुम दोनों ने ये पीछा करने वाली बात हमसे क्यों छुपाई? हमें लगा कुछ सीरियस मसला होता तो वो खुद ब खुद कंप्लेन करती आपके पास, लेकिन उसने कभी की ही नहीं तो हमने भी नहीं की। सर, ये रहे हरिशंकर गुप्ता के सारे डिटेल्स, फोन नंबर, एड्रेस, सब कुछ। फोन नंबर, एड्रेस, ये सब 2 साल पुराने हैं? सर, हमारे रिकॉर्ड में तो यही है। The number you have called is currently out of coverage area. Please try again later. Thank you. फोन तो आउट ऑफ सर्विस है, एड्रेस चेक करते हैं। सुन, नाम क्या तेरा? लक्ष्मण, लक्ष्मण केवट साहब। हरिशंकर गुप्ता को जानते हैं? 2 साल पहले यहाँ सिक्योरिटी में था। नहीं साहब, नहीं जानता। किसी नीलम बिस्ती को जानते हैं? सुना है मैडम, वो स्टूडेंट बात करते रहते हैं लड़की गायब है करके। दीदी ने हमें चोर कहा, हमारा हाथ उड़ गया और हम गुस्से में बाहर जाके बैठ गए। तो जब तुम्हारी दीदी घर छोड़कर चली गई तो उसने घर के बाहर तुमसे कुछ बोला था? नहीं सर, दीदी बहुत गुस्से में थी। अम्मा ने हमसे कहा कि जाके माफी मांग लो, लेकिन हम अपने ईगो में थे, हमने माफी नहीं मांगी सर। लेकिन हमें थोड़ी पता था कि दीदी लौटने नहीं वाली। चेतन, जब तुम्हारी दीदी घर के अंदर बैकपैक कर रही थी तो तुम्हारी माँ और उसके बीच जो बातचीत हो रही थी वो नहीं सुनी तुमने? नहीं सर, हम तो बाहर बैठे थे ना, और अंदर वो चिल्ला तो नहीं रहे थे। तो जब तुम्हारी दीदी ने कहा कि वो तुम्हारी मौसी के यहाँ जा रही है राधेपुर, उस वक्त तुम घर के बाहर बैठे थे, तुम्हारे बाबा घर नहीं लौटे थे, तो मतलब ये बात सिर्फ तुम्हारी माँ ने सुनी? जी सर, आप ऐसा कह सकते हैं। तुम्हारे बाबा ने कब फोन किया था राधेपुर ये जानने के लिए कि क्या नीलम वहाँ पर आई है? जब वो शाम को घर लौटे थे काम से। कितने बजे थे? 7:15 के आसपास। महादेवी, क्या नीलम ने तुम्हें फोन किया? अभी तक नहीं आया जीजा जी, ना मुझे ना अर्चना को। लेकिन आप लोग बता क्यों नहीं रहे कि आखिर माजरा क्या है? अब क्या बताएं, यहाँ चेतन के साथ उसका झगड़ा हो गया तो गुस्से में निकल गई 6:15 के करीब यहाँ से, ये कह के कि मौसी घर जा रही। हे राम, ऐसा क्या झगड़ा हो गया जीजा जी, और इतनी शाम को अकेली कहाँ चली गई लड़की? राम जाने महादेवी, इस नीलम को इतना गुस्सा क्यों आता है, और पगली ने फोन भी बंद कर रखा है। 6:30 की भी बस ली होगी यहाँ से दीदी ने, तो 8:30 से पहले थोड़ी ना पहुंचेगी राधेपुर। तो चुप कर, बड़ी बहन का हाथ उठाता है बेशम। तूने उसके पैसे क्यों चुराए बक्से से? अब आप भी हमें ही डांटेंगे, 200 रुपए क्या ले लिए दोस्तों को पार्टी देने, सबने गुनहगार मान लिया हमें। 8:30 बजे जब मौसी को फोन किया तो दीदी तभी भी वहां नहीं पहुंची थी, और तब भी दीदी का फोन बंद ही था। अच्छा चेतन, क्या लगता है तुम्हें, ये झगड़ा, ये थप्पड़, ये सिर्फ एक बहाना था? हो सकता है घर छोड़ने का असली कारण कुछ और ही हो। मतलब सर? मतलब ये मौसी के यहाँ जाने वाली बात क्या झूठी है? लेकिन सर, हमारी अम्मा झूठ क्यों बोलेगी? अर्चना ने हमसे कहा कि वो शनिवार या रविवार को ही वहां आती थी, या किसी छुट्टी के दिन। वो अपने काम पर एक दिन के लिए भी एब्सेंट नहीं रहती थी, और ना ही लेट होती थी। फिर उसे गुस्सा चाहे जितना भी आया हो। चेतन, कुछ जानते हो तुम? कुछ नहीं, क्या जानते हम। जिस दिन उसे कॉलेज से निकाला गया उसके 1 हफ्ते बाद ही हरिशंकर ने एड्रेस छोड़ दिया, 2 साल पहले। वहां से कहां चला गया, कोई लीड? उस वाक्य के बाद किसी ने भी हरिशंकर गुप्ता को नहीं देखा, पूरे शेरगंज में कहीं नहीं देखा। अगर आप चाहें तो मैं उन लोगों से कॉन्टेक्ट कर सकता हूँ जो हरिशंकर के टच में हो सकते हैं। तुम उसके टच में नहीं हो? उस कॉलेज वाले मामले के बाद मैंने उसे कभी भी काम पर नहीं भेजा, और ना ही कोई बात हुई। हमें उसका लेटेस्ट फोन नंबर चाहिए दिनेश, हमें शक है कि नीलम रिश्ते के साथ उसी ने कुछ किया है। मैं बंदों से बात करता हूँ, और जो भी जानकारी मिलती है मैं तुरंत आपको दूंगा। सर, टाइमिंग खटक रही है। बदले की कोई टाइमिंग नहीं होती है गीता, हमने कई केसेस में देखा है लोग बाग 20-20 साल के बाद भी बदला लेते हैं। सर, मैं 10 अप्रैल की शाम की टाइमिंग की बात कर रही हूँ। नीलम झगड़ा करने के बाद घर से गुस्से से निकलती है, और फिर उसी दिन उसी शाम को चुन चुन के उसे कौन मिलता है? हरिशंकर गुप्ता। टू मच इत्तेफाक सर। जरूर है, पर एक से ज्यादा इत्तेफाक होते तो हम दोबारा सोच सकते। एक का गुस्सा, एक का बदला, आपस में टकरा जाना, ये भी तो इत्तेफाक हो सकता है। बट सर, चलो मान लेते हैं एक बार को कि ऐसा नहीं हुआ, पर इससे हमारा सवाल तो चेंज नहीं हो जाता कि नीलम बिश्ती कहाँ है, क्या हुआ है उसके साथ।
सर, चेतन ने जैसा बताया बलराम के फोन रिकॉर्ड्स के मुताबिक सेम उसी टाइम पर उसने कॉल किया था महादेवी को। ज्यादातर ऐसे केसेस में पेरेंट्स और फ्रेंड्स कुछ बताएं ना बताएं, लेकिन कॉल रिकॉर्ड्स छुपे बॉयफ्रेंड और अफेयर्स का अंदेशा देते हैं। नीलम के पास दूसरा फोन होने के चांसेस काफी कम है सर, और उस दिशा में हमारे पास कोई सुराग भी नहीं है। सर अगर दूसरा फोन होता तो कहीं ना कहीं बॉयफ्रेंड भी होता, जो राधेपुर में या यहाँ शेरगंज में या कहीं तो होता, और उसके बारे में हमें अंदेशा तो मिल ही गया होता। हरिशंकर गुप्ता के पीछे हाथ धोकर पड़ जाओ सर, और मैं पड़ता हूँ पिछले परिवार के पीछे। क्या उन्होंने कुछ नीलम के साथ कर दिया है, कुछ छुपा रहे हैं, कोई साजिश है? चेतन ने मुझे बताया कि आप लोग हम ही पे शक कर रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। आप ही बताइए हम झूठ क्यों बोलेंगे, हम माँ है नीलम की। देखिए केस बड़ा अजीब है हमारे लिए, नीलम गुस्से में घर से निकली, उसका कोई बॉयफ्रेंड प्रेमी है नहीं, जबरदस्ती उठाया जाना लगभग असंभव। तो फिर नीलम गई कहाँ, हुआ क्या उसके साथ? यही बात तो हम पूछ रहे हैं साहब, कि क्या हम अपनी बेटी की शक्ल देख पाएंगे कभी? देखिए इस वक्त हमारे हाथ में सिर्फ हरिशंकर गुप्ता का सुराग है, जो अभी तक हमें मिला नहीं। हम पूछ रहे हैं हमारी बेटी कभी मिलेगी, सही सलामत घर लौटेगी? इस वक्त हमारे लिए कुछ भी कहना मुश्किल, हम इस सब भावना को भी टटोल रहे हैं कि क्या नीलम खुद से यहाँ से कहीं बहुत दूर चली गई है। पर सवाल ये है कि क्या नीलम ऐसी है, इतना गुस्सा भरा था उसके अंदर? एक भाई को अपनी बहन पर हाथ उठाने का पछतावा था, इस झगड़े की वजह से उसकी बहन गुस्से में घर छोड़कर जो चली गई थी। एक बाप अपनी गुमशुदा बेटी के बारे में कोई खबर सुनने के लिए तरस गया था। एक ऐसा दिन नहीं गुजरा जब बलराम थाने ना आया हो और अपनी बेटी के बारे में पूछा ना हो, पर उसे देने के लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं हो कि उसकी बेटी कहाँ हो सकती है, क्या हुआ होगा उसके साथ। इस वक्त तक हम हरिशंकर गुप्ता को नहीं ढूंढ पाए थे। इस केस में हमारे पास एक ही संदिग्ध था, वही मुख्य संदिग्ध था, और वो था हरिशंकर गुप्ता। दिन हफ्ते बने, हफ्ते महीने, फिर भी नीलम बिश्ती केस एक इंच आगे नहीं बढ़ रहा था। 10 अप्रैल की शाम को क्या हुआ था इसके बारे में खबर का एक कतरा सामने नहीं आ रहा था। नीलम को गुस्से में घर छोड़े अब 11 महीने बीत चुके थे, और एक फोन कॉल आया। हेलो हेलो हेलो, अरे कौन है भाई, कुछ तो बोलो। वो आवाज मेरी नीलम की थी साहब। क्या बोली? ज्यादा तो कुछ नहीं बोली, बस एक नाम लिया राकेश झा का, बोली सबके पीछे राकेश। किस सबके पीछे बलराम जी? ये तो नहीं पता, मेरी बच्ची रो रही थी और कह रही थी कि अरे कुछ तो बोलो, कौन है, इतनी रात गए? हेलो पापा, पापा। नीलम, नीलम, नीलम बेटा कहाँ है तू? पापा मुझे बचा ली, मुझे बचा ली। अरे मेरी बच्ची, ये तो बता तू है कहाँ? पापा मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, ये सब राकेश भैया ने किया है, पापा मुझे बचा। ऐसा लग रहा था कि डर डर के छुप के बात कर रही थी कहीं से। सर ये नंबर 444-908-760 जिस नंबर से कॉल आया था वो अभी स्विच्ड ऑफ है, लोकेशन डिटेल्स और रिकॉर्ड भेजने के लिए बोला है। साहब अब तो आपको पता चल गया ना कि लड़की जिंदा है, आप ही कुछ कर सकते हो, बचा लो उसको। हाँ सर, और उस शाम को दीदी बहुत ज्यादा गुस्से में निकली थी घर से, और रास्ते में उस राकेश के बच्चे नहीं पासा होगा दीदी को। मैंने राकेश, तूने, उसने तेरे नाम लिया। सर पगला गए हैं बलराम जी, हम शेरगंज में यहाँ अपना काम कर रहे हैं, भला हम ऐसी घिनौनी हरकत क्यों करेंगे? बलराम जी और रश्मि भाभी को और कोई नहीं मिला फंसाने के लिए, जो हम लोगों पे इल्जाम ठोक रहे हैं, ना कोई सबूत ना कुछ, बस ले लिया नाम। हम क्या बताएं सर, हमारा तो दिमाग ही सुन पड़ गया। आप ही बताइए, कोई लगभग 11 महीने बाद फोन करता है और फोन पे रोते हुए कहता है कि राकेश ने उसे फंसाया। राकेश नहीं कहा था, राकेश भैया कहा था। नीलम तुझे राकेश भैया कह के बुलाती थी ना? सर हमें तो आधा गांव राकेश भैया कह के बुलाता है। पर नीलम ने आधे गांव का नाम नहीं लिया है, तुम्हारा नाम लिया है, क्यों? यही तो हम जानना चाहते हैं कि हमारा ही नाम क्यों लिया उसने। कोई तो वजह होगी ना, 10 अप्रैल की शाम को तुम नीलम से मिले थे राकेश? सर पहले आप ये पता लगाइए क्या ये फोन बलराम को आया था, और आया भी था तो क्या नीलम ने किया था, फोन आया भी था। 10 अप्रैल की शाम को क्या तुम नीलम से मिले थे राकेश? सर मिला होता तो बताता नहीं मैं,
और मिला होता तो कहाँ ले जाता मैं उसे, अपनी पत्नी वनीता के पास? वो कुछ नहीं बोलती। कहाँ से फोन किया था नीलम ने सर? नीलम ने अभी ये बताया नहीं है। तो पहले उसे ढूंढिए, पता कीजिए। पर उसने ये जरूर बताया कि तूने उसे फंसाया। सर फंसाया तो आपको जा रहा है, हमें तो लगता है बलराम ने कुछ किया अपनी बेटी के साथ, और 11 महीने बाद किसी फोन कॉल का नाम लेके हमें आगे कर रहा है। सर हमें तो लगता है कोई फोन कॉल आया ही नहीं। पता किया हमने, फोन आया था। सर फोन आया तो बलराम ने खुद कराया होगा। वो तो हम पता लगाएंगे। तो ये भी पता लगाइए कि अगर नीलम कल रात में फोन कर सकती है तो 11 महीने पहले फोन क्यों नहीं किया उसने? तूने उसे नहीं करने दिया होगा, कहाँ छुपा के रखा है नीलम को? अरे सर मैं घर और दफ्तर के बीच में रहता हूँ, कहाँ छुपाऊंगा उसे और क्यों? ये तू ही हमें बता दे, नहीं तो फिर नीलम हमें बताएगी। और एक बात अच्छी तरह से समझ ले, अगर ये सच निकला कि तूने नीलम को फंसाया। अरे सर फंसाया तो हमें जा रहा है, ऐसे 11 महीने बाद कोई नाम लेता है क्या? कल चलना है मेरे साथ, मैं अकेले नहीं जा सकता। लेकिन जाना कहाँ बोल रहा हूँ? इलाहाबाद। क्यों? वो सब रास्ते में बता दूंगा तुम्हें, चलोगे ना तुम मेरे साथ? एक मिनट बोल रहा हूँ, ये 5 दिन पहले जो फोन आया था क्या वो सच में नीलम का था? उसने सच में राकेश झा का नाम लिया था? दोनों रास्ते में। कागजात 10 मिनट में आ जाएंगे। तुम्हारे बाबा और मौसा 2 दिन के लिए कहाँ गए थे चेतन? बता ही नहीं रहे सर, लेकिन कुछ तो है, और हमें ऐसा लगता है कि बाबा जानते हैं कि नीलम दीदी के साथ क्या हुआ है। तुम्हारे बाबा किसी तरह शामिल हो सकते हैं नीलम के गायब होने में? नहीं सर हमें नहीं लगता, लेकिन बाबा जब से लौटे हैं ना तब से बहुत खामोश है सर, कुछ तो है जो वो जानते। पर तुम्हारे बाबा और मौसा कहाँ गए थे? घर पर कुछ तो बताकर गए होंगे। नहीं सर नहीं बताया, ना हमें बताया और ना अम्मा को। इसे अचानक कहाँ जा रहे हैं आप? नहीं बता सकते रश्मि, जाना है कुछ है। नीलम दीदी की कोई खबर है? ना तू हाथ उठाता ना ये आफत आती। बहुत पछता रहा हूँ बाबा, आप बताइए तो कहाँ जा रहे हैं बाबा? अर्चना के बाबा ने कुछ नहीं बताया हमें, बस इतना बोले बलराम जीजा जी के साथ जा रहा हूँ। अर्चना मौसा जी तुमको कुछ बोले थे क्या? नहीं चेतन, जब अम्मा को कुछ नहीं बताया तो हमें क्यों बताएंगे? बहुत डर लग रहा है हमें, अचानक से रात को फोन आया, बस इतना बताया कि नीलम का है। लेकिन बलराम मौसा जी ने पुलिस को बोला कि नीलम ने राकेश भैया का नाम दिया। लेकिन राकेश भैया का तो उन्होंने छोड़ दिए, हम मिले थे अभी उनसे, हमसे तो कुछ उल्टा ही कहने लगे। तेरे बाबा झूठ बोल रहे हैं समझा? ये नीलम को क्यों अगवा करेंगे फिरौती के लिए, वो भी तुम लोगों से? कॉलेज पढ़ रहे हो ना, जरा दिमाग लगा। हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, बाबा और मौसा जी कहीं चले गए, वो भी हमको बिना बताए। अरे वो सच बोलेंगे नहीं, और तेरी बहन भी तुझ पे गुस्सा उस्सा होकर घर छोड़ के नहीं गई है? माजरा कुछ और है चेतन, तेरे बाबा खेल रहे हैं गेम, आज हमारा नाम लिया है कल किसी और का नाम लेंगे। हमें नहीं लगता कि हमारे बाबा कुछ गलत कर सकते, लेकिन जब से वो लौटे एकदम गुमसुम से रहने लगे, कुछ तो जरूर हुआ है सर। क्या खिचड़ी पक रही है बलराम जी? क्या अपने साडू भाई राजेंद्र के साथ कहाँ गए थे आप? काम था,
कैसा काम? अपने काम से गया था जी, वो कुछ निजी काम था। हाँ तो बोलिए ना, क्या निजी काम था? बलराम का काम था, मैं तो बस साथ गया था। ऐसे गोल गोल बात करने से तो हम पीछे हटेंगे नहीं राजन जी, तो बोलिए क्या निजी काम था? निजी का मतलब क्या होता है? जिसके बारे में दूसरों को जानने की जरूरत ना हो। आप लोगों को हर चीज पे शक क्यों है? शक इसलिए बलराम जी, राजन जी, क्योंकि आप सिर्फ हमसे ही नहीं अपने घर वालों से भी कुछ छुपा रहे हैं। मैं शेरगंज छोड़ना चाहता हूँ, इसलिए इलाहाबाद गया था नए काम की तलाश में राजेंद्र को साथ लेके। अब इसमें ऐसा भी कुछ निजी नहीं है, पहले ही बता देते, काम मिला? नहीं, फिर जाना है। पर आप जा क्यों रहे हैं शेरगंज छोड़कर? मेरा दम घुटता है, बेटी की याद सताती। आप लोग को अंदाजा भी है कि एक बाप पे क्या बीतती जब उसकी गुमशुदा बेटी की खबर तक नहीं मिलती? आप लोगों ने तो आज तक कुछ किया नहीं, वो एक कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड का नाम दिया था उसको तक नहीं पकड़ पाए। हरिशंकर गुप्ता, क्या किया है उसने आप जानते हैं कुछ? जानता तो अभी तक चुप रहता। सच सच बोलिए बलराम जी, क्या नीलम ने वाकई में आपको फोन किया था? जिस नंबर से फोन आया था वो नंबर भी दिया, क्या आप लोगों ने कुछ किया? आप लोग तो वो फोन के रिकॉर्ड से आदमी का पता कर सकते हैं ना, तो फिर इस नंबर का रिकॉर्ड क्यों नहीं निकलवा रहे हैं? कल आने की संभावना है, वक्त लगता है इन चीजों में। टाइम तो बहुत लगता है साहब आपको, 11 महीने हो गए मेरी बेटी को गायब हुए। सच है, पर आज आपको झूठ बोल रहे हैं हमसे। आपके सारे सवालों के जवाब दिए मैंने, मेरे एक सवाल का सही जवाब नहीं दे रहे हैं आप लोग। रहने दीजिए साहब, रहने दीजिए, मेरी बेटी है मैं खुद ढूंढ लूंगा। आपने हमारे लिए, मेरी बेटी के लिए कुछ नहीं किया, आप पे भरोसा नहीं रहा साहब, हमें माफ कर दीजिए, हम चलते। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।